हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये वोल्वो का इंजन है, D13K है, VS6 का इंजन है और स्टेप ये इंजन। तो इसका इंजन करने के लिए पहले हमको क्या करना है, इसका अगर टाइमिंग प्लेट उतारा चेंज किया तो इसमें हमको पहले बैक ग्लास एडजस्ट करना पड़ता है, ये ध्यान में रखना है। अगर ये टाइमिंग गियर भी खोले है तो इसको एडजस्ट करना पड़ता है, क्रैंक के साथ ये सेट करना पड़ता है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। तो हमको क्या करना है, पहले दो फिलर गेज ले लेना है सेट करने का टाइम, और दोनों फिलर गेज को लगा के, तो ये जो है 0.10 mm फिलर गेज है, दोनों फिलर गेज को लगा के इसको सेट करना है। और सेट करने का टाइम फिलर गेज लगा के टाइट करना है, आइडलर प्लस टाइमिंग प्लेट को भी। तो फिलर गेज आप देख सकते हैं, इसमें 0.10 mm का है, दोनों फिलर गेज लगा के ऑलरेडी टाइट कर दिया हूँ। तो टाइट करने के बाद ही ये वीडियो बनाया, तो आप देख सकते हैं नीचे में ऐसे प्लेट लगा देना है, टाइमिंग प्लेट को अप डाउन कर करके आपको सेट करना पड़ेगा। और टाइट करने के बाद भी एक बार चेक करना है, और चेक करने का टाइम कि बराबर इसमें बैक ग्लास एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत वाइटल वाला है। अगर इसमें कम ज़्यादा होगा तो इसमें गियर टूटने का चांसेस रहता है, गियर से नॉइज आ सकता है, ठीक है। और अभी देखूँगा इसमें पिस्टन है, वोल्वो का इंजन का पिस्टन कैसा दिखता है। ऊपर में देखिए कंप्रेशन रिंग है दो, और नीचे ऑयल रिंग है, ऑयल स्क्रैपर, और पिस्टन का हेड देख सकता है, ऐसे टाइप का डिज़ाइन का हेड बनाया। इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर बहुत अच्छा होता है इसमें, और कंप्रेशन भी अच्छा होता है इसमें। और तीसरी चीज़ में नंबरिंग रहता है कनेक्टिंग में, क्योंकि कैप अलग ना लग जाए, अलग लगने से बराबर फिट नहीं होगा, खुलने का चांसेस रहेगा, क्योंकि ये फ्रैक्चर टाइप है, ये फ्रैक्चर टाइप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कैप टाइट करने के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि जॉइंट कहाँ पे है, जॉइंट कहाँ से है आपको दिखेगा ही नहीं। और तीसरी चीज़ इसका देख सकते हैं, ये रिंग हो गया, कैसा टाइप का लगाना पड़ता है, रिंग को भी चेंज कर दिया है पिस्टन का। और इस बार क्या करेंगे, इसमें बियरिंग हमको फिट करना है। बियरिंग फिट करने से पहले इसको अच्छे से साफ़ कर देना है, फ्रेश अच्छा कॉटन से साफ कर देना है। और ये फ्रैक्चर टाइप है, इसमें भी ऑयल नहीं रहना है, जब फिट करना है ऑयल वॉयल और डस्ट ये सब अच्छे से साफ कर देना है फ्रैक्चर टाइप में। और फिट करने का टाइम ये नंबर ज़रूर देख के फिट करना है कि सेम नंबर है कि नहीं है, नहीं तो रिस्क रहता है आपका, खोलने का चांसेस रहता है, बराबर फिट भी नहीं होगा, वो देखना है। और तीसरी चीज़ ध्यान भी देना है उसमें बियरिंग भी। अभी देखिए और एक बार भी इसको चेक कर लिया कि हाँ हमारा बैकलास बराबर है। तो ये फिट करने के बाद अब ये देखिए, ये वेट टाइप लाइनर है, इसमें कूलेंट डायरेक्ट लाइनर के साइड में ही रहता है अंदर गैलरी में, और ड्राई टाइप का भी रहता है, और ड्राई टाइप का हमारा इसमें वोल्वो में यूज नहीं करता है, सब वेट टाइप ही लाइनर रहता है। अभी क्या करेंगे, अभी 1x1 बियरिंग कैसे सेट करेंगे अभी दिखाता हूँ। अभी देखिए ये जो बियरिंग है इसमें होल नहीं है, ठीक है, ये बियरिंग कैप में लगेगा कनेक्टिंग का, और ये लॉक जो है अच्छे से सेट रहना है और लेवल रहना है। और ये जो बियरिंग है इसमें देखिए होल है, एक कनेक्टिंग में होल है, क्योंकि ये क्रैंकशाफ्ट से गाइजन पिन को लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेट जो करता है वो अंदर से होल है। तो ये भी बराबर सेट करना है, लॉक में बराबर बैठा है कि नहीं बैठा है, इसको भी ध्यान रखना है। अब ये करने के बाद हमको फिट करने से पहले मास्ट इसमें ऑयल देना है, जो इंजन ऑयल इसमें लगा के फिट करना है। अभी देखिए लॉक भी बराबर बैठ गया, अभी क्या करना है इसमें ऑयल क्या करना है, और लाइनर में भी लगा देना है। लाइनर में ऑयल लगा दिया, अभी पिस्टन कैसे फिट करना है वो दिखाऊंगा, 1x1 स्टेप, आप देखते रहिए वीडियो और पूरा लास्ट तक देखिए वीडियो। और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये जो है टूल्स है वोल्वो का, आप लाइनर को काट के भी ऐसे बना सकते हैं, ये टूल्स आपको पिस्टन रिंग कंप्रेस करने के लिए। तो ऑयल लगा दिया है, और इसमें देख सकते हैं फ्रंट है कनेक्टिंग में, ये सामने की तरफ ही रखना है, और पिस्टन में एक एरो है, जो एरो सामने की तरफ रखना है। तो ये कभी मिस्टेक नहीं करना है कोई भी इंजन में, आपको ये ध्यान देते हुए ये करना है, नहीं तो आपको पिस्टन सीज हो सकता है, क्योंकि अंदर में जो है पिस्टन गलत लगेगा तो कूलिंग जेट का जो होल है वो गलत दिशा में चला जाएगा। तीसरी चीज़, इसका कंप्रेशन रिंग को जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है दोनों का मुंह, और ऑयल रिंग को आप 45 डिग्री कोई भी एंगल्स में रख सकता है। और तीसरी चीज़ इसमें और एक ध्यान रखना है, इसको थ्रस्ट पोजीशन में नहीं रखना है, इसका जो गैप है, और गाइजन पिन का साइड में भी नहीं नहीं रखना है, थ्रस्ट पोजीशन, ये देखिए दो साइड थ्रस्ट पोजीशन,
इसमें भी नहीं है, उसका जो जॉइंट है हिस्सा है और नॉन थ्रस्ट जो एरिया है वो भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में रखने से कंप्रेशन बहुत अच्छा रहता है, बेहतर रहता है और लाइनर का भी लाइफ ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें थ्रस्ट पोजीशन में रखने से स्क्रैचेस आ सकता है लाइनर में। तो ये सेट करने के बाद धीरे धीरे क्या करना है आपको, धीरे 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 इसको पिस्टन रिम को दबाना है और इसमें लॉक है, लॉक कर देना है। तो ये जो है आप लाइनर कट के भी ऐसे टूल्स आप जुगाड़ बना सकते हैं। तो कोई भी बराबर सेट हो गया, अभी धीरे धीरे बैठाना है और उधर से कोई भी स्क्रू ड्राइवर हटा लेना है। अभी देखिए उसमें हटाने के बाद धीरे धीरे ठोक देने से पिस्टन ऐसे अंदर चला जाएगा और एक के साथ छः लगाना है, सेम वही प्रोसेस है, छः नंबर का फ्रंट में रखना है आपका कनेक्टिंग और आपका पिस्टन में एरो भी मास्ट देखना है एक बार कि सामने की तरफ है क्या। उसके बाद पिस्टन रिंग को भी बराबर सेट कर देना है जैसे पहले बताया था। तो ये भी सेट हो गया है, सेट हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो है इसका टूल्स को प्रेस करना है, वो भी फिर धीरे 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 प्रेस करना है, नहीं तो पिस्टन रिंग टूट सकता है, घूम सकता है ज़्यादा। अभी हो गया है, अभी देखिए इसमें फिट करने के बाद बराबर सेट करके धीरे 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 क्या करना है, मैलेट से धीरे धीरे ठोकना है और नीचे से भी देखना है कि बराबर क्रैंक में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अभी देखिए धीरे 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 करना है, क्योंकि नहीं तो पिस्टन रिंग डैमेज हो सकता है अंदर जाने का टाइम। और क्या करना है, कैप को पूरा सेट कर लेना है। कैप को सेट करने के बाद सबसे लास्ट में एक साथ टॉर्क मारने से अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें छूटने का भी चांसेस नहीं रहता है, एक साथ वन बाय वन। अभी देखिए इसमें टॉर्क भी दे दिया हूँ, कनेक्टिंग रॉड का 20 न्यूटन मीटर 60, उसके बाद 90 डिग्री एंगल देना है। अभी सेट कर दिया और मेन बियरिंग का भी आपको लिख के दिखा दिया उधर कितना रहता है, क्योंकि ये पहले ही टाइट हो गया था और इसलिए लिख दिया हूँ कितना रहता है टॉर्क। और यह अभी कनेक्टिंग का टॉर्क चल रहा है जैसे कि मैं बताया था, कनेक्टिंग का 20, 60 फिर 90 डिग्री। डिग्री कैसे देना है आपको पहले बताता हूँ, एक नोच से दूसरी नोच तक 60 डिग्री होता है और वो वाला जो है फिर 60 डिग्री, तो 120 डिग्री, तो 120 डिग्री ये बीच में करेंगे तो 60 और 30, 60 को हाफ करने से 30, तो पहला 60 एक नोच फिर सेकंड नोच का बीच तक उतना तक घुमाना है, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अभी टॉर्क होने के बाद आपको डिग्री मारना है, डिग्री कभी भी प्लस में ही रखना है, तो वो सब जब टाइट हो जाएगा। अभी देखिए वन बाय वन ऐसे ही सेम सब पिस्टन को ही फिट कर दिए, फिट हो गया। अभी क्या करना है, ये जो लाइनर है इसको एक लॉक कर देना है कुछ भी देके, हेड बोल्ट देके, क्योंकि ये लाइनर जो है प्रेस फिट नहीं है, नॉर्मल हाथ से ही जाता है और इंजन को हमको पाल्टी करना है, अगर गलती से लाइनर निकल जाएगा तो रिस्क रहता है, लॉक कर लेना है। ये कूलिंग नोजल है जो कि पिस्टन रिंग को लुब्रिकेंट करता है लाइनर को भी। ये होल है मेन गैलरी, इधर से जो है आपका ऑयल स्प्रे होता है आपका पिस्टन की तरफ, पिस्टन में होल है, ऑयल स्प्रे करता है। ये देखिए लग गया है, इसमें भी टॉर्क अब 24 है, तो इसमें मास्ट भी है, आप थ्रेड लॉक यूज कीजिए क्योंकि रिक्स वाला एरिया है, तो वो फिट होने के बाद आप ऑयल कूलर है, ये आप देख सकते हैं इसमें ऑयल कूलर, इसमें कूलेंट रहता है और ये होल है लाइनर के साथ कूलेंट का टच रहता है। और इधर नीचे में पूरा नीचे में जो है ऑयल पम्प है, एक्चुअली एक गियर टाइप पम्प है और इंजन का नीचे में पूरा रहता है और ये प्रोटेक्शन प्लेट है इंजन में। ये भी टाइट हो गया पहले, अगर टॉर्क आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, टॉर्किंग का बता देंगे। फ्रंट क्रैंक सील है, ये टूल्स है वॉल्वो में, टूल्स है, टूल से ठोकने से सही रहता है, लीकेज का चांसेस नहीं रहता है।
तो ये सील टूल से ही प्रेस कर दिया और ये इसका कवर भी टाइटिंग हो गया बराबर और सील भी बराबर फिटिंग हो गया है। और कूलेंट पंप का ये हाउसिंग है, हाउसिंग कूलेंट पंप का बॉडी ये भी फिट हो गया। उसके बाद जो है एसेसरीज है अब फिट हो गया है, हमको अभी नेक्स्ट जो है इसका हेड को फिट करना है। फिट करने से पहले हेड में थोड़ा सा काम है जो कि आपको स्टीम सील चेंज करना है। तो ये टूल्स आप बना सकते हैं, इंजेक्टर को ऐसे करके बना सकते हैं, तो इंजेक्टर के जगह में टाइट करके आप सेम ऐसे वीडियो में देख के आप टूल्स जुगाड़ बना सकते हैं। तो ऐसे प्रेस करके वाल्व का लॉक खुल जाएगा, उसके बाद आप स्टीम सील चेंज कीजिए। स्टीम सील चेंज करने के बाद अब फिर वाल्व को बराबर फिट कीजिए। तो इसमें रिक्स भी नहीं है। और दूसरा टूल्स में क्या रहता है कि दबाने के लिए वाल्व का स्प्रिंग छिटक सकता है, लॉक छिटक सकता है, तो ये जो है बहुत सेफ्टी है और केयरफुली आप इसमें फिट कर सकते हैं। तो ये लोकल में बना सकते हैं, आप देख लीजिए कैसा है। ये देखिए स्टीम सील को बहुत केयरफुली ठोक रहा है क्योंकि ये बहुत ये रहता है, नहीं तो डैमेज हो सकता है। सील हो गया, अभी सील ठुकने के बाद अभी क्या करना है, अभी देखिए सब फिर वाल्व स्प्रिंग बराबर बैठा दिया। तो इसमें और एक काम बचा है जो कि कॉपर स्लिप निकालना था, तो पहले निकाला नहीं था। अभी ये जो टूल्स है कॉपर स्लिप निकालने के लिए वाल्वों में टूल्स है, ये कैसे है फैल जाता है और कॉपर स्लिप में टाइट होकर बैठ जाता है, धीरे धीरे कॉपर स्लिप ऊपर आ जाता है। ऐसा रहता है कॉपर स्लिप का। अभी देखिए इसको टाइट का पहले कर देना है, कॉपर स्लिप में ग्रूव बैठ जाएगा अच्छे से। उसके बाद ये वाला टूल्स लगा के फिर इसको फंसा देना है। ये थोड़ा क्रिटिकल है, अब लोकल बना से नहीं सकता, तो अलग तरीके से अभी बना सकता है, मगर ये बहुत अच्छा रहता है सिस्टम। अब ऐसे धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और धीरे धीरे वो उठते जाएगा। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, कॉपर स्लिप निकालना पड़ेगा। कॉपर स्लिप निकालने के बाद आपको कॉपर स्लिप बराबर लगाना है, ठीक है, कॉपर स्लिप लगा देना है। ये भी टूल्स है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कॉपर स्लिप लगाना है। अभी ये क्या करना है, हमको हेड को टाइट करना है। तो हेड गैस्केट लगा दिया हूँ, अच्छे से साफ कर देना है, ऑयल नहीं रहना है। इसको साफ करके हेड को देखिए, हेड को बैठा दिया उसके ऊपर। उसके बाद हमको क्या करना है, हेड का जो बोल्ट है इसको नंबरिंग कर लेना है। तो नंबरिंग कमांड्स में बोलिए अगर नंबरिंग करना है, क्योंकि हमको सीक्वेंस में देना है, इधर लाइन बाय लाइन नहीं देना है। देखिए जैसे उधर एक है, इधर दो है, फिर इधर तीन चार, फिर लेफ्ट साइड चार पाँच, ऐसे सीक्वेंस में नहीं देने से आपका हेड गैस्केट डैमेज नहीं होगा और बराबर फिटिंग भी हो जाएगा। ये सब नंबरिंग करने के बाद हमको टॉर्क देना है और एंगुलर टॉर्क भी है, आप इसमें लिख के है कितना क्या टॉर्क देना है। तो इसको टॉर्क मानने से बेहतर रहता है, गैस्केट काटने का चांसेस नहीं है। तो ये टॉर्क है, मैं टॉर्क कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं टॉर्क भी लिख दूंगा कि कितना क्या टॉर्क रहता है। ये देखिए, थैंक यू फ्रेंड।